स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 7 साइंस सेशन. सो स्टूडेंट्स, वी आर एट द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज चैप्टर 18, वेस्ट वाटर स्टोरी. सो वील डिस्कस दिस टूडे. ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी. स्टूडेंट्स, वॉट वी डू इज, हम क्या करते हैं, हम लोग पानी काम में लेते हैं और उसे अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, साफ पानी को गंदी जगह डालकर वहाँ तो सफाई हो जाती है लेकिन पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है. डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? मतलब हम, मैंने जैसे डर्टी वर्ड बोला, आप लोग सरप्राइज हो गए, अरे हम डर्टी कैसे करते हैं, पर आप डर्टी ही तो कर रहे हो. रिच इन लैटर मिक्स्ड विथ ऑयल, ब्लैक ब्राउन मैटर, सॉरी ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन फ्रॉम सिंक्स, शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज इज डर्टी. जो गंदा पानी होता है, जिसमें गंदगी होती है बहुत सारी, जिसमें ऑयल होता है, जिसमें ब्लैक मैटर होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का पानी होता है, तो हम साफ़ पानी को गंदा ही तो कर रहे हैं. अगर हम लोग को बर्तन साफ़ करने हैं, हमें यूटेंसिल्स क्लीन करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूटेंसिल्स हमारे गंदे होते हैं, उसमें ऑयल वगैरह लगा होता है, हम लोग पानी यूज़ करते हैं और साफ़ पानी के थ्रू उसको, तो वो तो साफ़ हो जाता है यूटेंसिल तो, लेकिन जो पानी है वो तो अल्टीमेटली गंदा ही होता है ना. This is called waste water. Underline this line, students. ये जो first paragraph है, rich से लेके water, waste water तक, this is the definition of waste water. This used water should not be wasted. We must clean it by removing the pollutants. Have you ever thought where the waste water goes and what happens to it? अब हमें क्या करना है, इस पानी को क्या करना है, waste नहीं करना है. जो गंदा है, waste water है, उसको भी हमें waste लिखा हुआ है लेकिन waste नहीं करना है. हमें उसे क्या करना है, उसे क्लीन करना है. कैसे करेंगे, अब पॉल्यूटेंट्स मतलब जो भी पॉल्यूट कर रहा है, उस पॉल्यूटेंट्स को हटाना है और उस पानी को क्लीन करना है. ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, हमें उस पानी को वेस्ट नहीं कर कर हमें उसमें जो पॉल्यूटेंट्स है, जो पॉल्यूशन फैलाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स. तो हमें उसे वेस्ट कर, उसे हटाना है और पानी को क्लीन करना है. तो आपने कभी ये सोचा है कि उस पानी का क्या होता है जो आप लोग वेस्ट कर देते हैं, जो हम लोग ड्रेन्स वगैरह में, जो नालियों में पानी बहता है, उसका क्या होता है, उस पानी का अल्टीमेटली होता क्या है, कहाँ जाता है वो? वाटर आर लाइफ लाइन. अब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन, अब इसमें पढ़ रहे हैं वाटर इज आर लाइफ लाइन. क्यों है लाइफ लाइन, क्या लगता है आपको, मतलब वाटर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, सिर्फ क्लीनिंग वगैरह के पर्पज से नहीं, लेकिन हम लोग पानी एक्चुअली हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट काम तो वो है ना. तो हम बिना पानी पिए तो नहीं जी सकते, सबको पानी की ज़रूरत होती है, 3 से 4 लीटर सबको पीना चाहिए. तो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर आर लाइफ लाइन, क्लीन वे वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग. साफ पानी एक ह्यूमन की काफ़ी बेसिक नीड है, मतलब इसके बिना वो नहीं रह सकता. लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेज ऑफ क्लीन वाटर. एक माइंड मैप बनाते हैं कि हम लोग पानी को क्लीन कैसे कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं क्लीन वाटर को, विच इज़ एक्टिविटी 18.1. वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूजेज ऑफ क्लीन वाटर. हमें क्या देना है, वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ यूजेज ऑफ क्लीन वाटर. क्लीन वाटर के हमें एक एक यूज़ बताने हैं. यू कैन ऐड एज मनी एज यू कैन. अब हमें क्या करना है, क्लीन वाटर जो साफ पानी है उसके हमें क्या करना है, यूजेज लिखने हैं. ठीक है, तो हमने उसके यूजेस इस पॉइंट्स में लिखने हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी इसमें सर्कल्स बने हुए हैं, वो सारे हमें क्या करने हैं, यूजेस लिखने हैं. तो फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है ड्रिंकिंग, उसके अलावा आप कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, यूटेंसिल क्लीनिंग, कार वॉशिंग, स्वीपिंग, ये सारी चीज़ों में हम लोग काम में लेते हैं. 3 मैंने बता दी है, बाकी आप अपना खुद का सोच सकते हैं. क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज़ इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल. क्लीन वाटर जो पानी पीने के लिए फिट है, जो सही है पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, जिससे हम बीमार नहीं होंगे, वो हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाता है. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 billion ऑफ द पीपल हैव नॉट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेज एंड इवन डेथ. मतलब कितने बिलियन, 1 billion लोगों को पानी साफ नहीं मिलता है, वो गंदा पानी पीते हैं और गंदे पानी की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली उनको डिजीजेज हो जाती है और कई बार तो मर भी जाते हैं, दे हैव टू फेस द डेथ ऑल्सो. पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर एज यू रीड इन चैप्टर 16. हमने चैप्टर 16 वाटर पढ़ा था, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स. हमने उसमें क्या देखा था स्टूडेंट्स, कि वाटर लेने के लिए बड़े लोग नहीं, बच्चों को भी दूर दूर तक जाना पड़ता है. इज इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर एक्टिविटी डिग्निटी. मतलब ह्यूमन डिग्निटी की एक, ये काफ़ी सीरियस मैटर है ह्यूमंस के लिए.
You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to the population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. अब हमने 16 chapter में देखा था कि हमारी क्या क्या ऐसी बुरी activities हैं या ऐसा क्या हमने development में किया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा water, fresh water जो हो रहा है या water की scarcity होती जा रही है, water क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. Realizing the urgency of the students on the map on the World Water Day on 22nd March 2005, इतनी इम्पोर्टेंस है वाटर की कि उसकी लोग इतना पल्यूट करें कि उसका मतलब लोगों के दिमाग में उसकी इम्पोर्टेंस देने के लिए एक दिन ही बना दिया इन लोगों ने. दैट इज़ वर्ल्ड वाटर डे और 22nd मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. फर्स्ट टाइम किया था 2005 में. द जनरल Assembly of the United Nations proclaimed the period of 2005-2015 as the International Decade for Action on Water for Life. Water for Life का एक बहुत ये मतलब एक पूरा 10 साल का इन्होंने एक वो लिया था जिसमें वो पानी की स्कैसिटी जो भी पानी खत्म होता जा रहा है उसको वापस से सही करेंगे और हमारे अर्थ पे लेवल वाटर का फ्रेश वाटर लेवल का हाई हो करेंगे ये लोग. इन्होंने 10 साल का ये इनिशिएटिव लिया था. All efforts made during this decade aim to reduce by half of the number of the people who do not use have access to safe drinking water. तो इन्होंने ये बोला था कि जितने भी लोग हैं मतलब उनमें से हाफ डिकेड ऑफ द नंबर लोगों को साफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए. ये 10 साल में इन्होंने इनिशिएटिव लिया था. आई थिंक सो कुछ हद तक तो इसको सही प्रूव करने में सफल हुए. बाकी तो 10 साल तो ख़त्म हो गए. There has been perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot of achieve. बहुत ज़्यादा इन्होंने काफ़ी लोगों को तो पानी पहुँचा दिया साफ, लेकिन फिर भी इनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अचीव करनी हैं. Cleaning of water is a process of removing pollutant before it enters a human body, water body or is reused. Cleaning water क्या है, एक process है जिसको गंदे पानी को क्या करना है, उसमें से pollutants हटाने और उसको साफ करना है. वो पानी किसी नदी में, लेक में, पौंड में जाने से पहले उसको क्या करना है, इतना क्लीन करना है कि जो पानी के जानवर है वो ना मर जाए. This process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment. It takes place in several stages. इस जो treatment होता है ना इसको क्या बोलते हैं, sewage treatment. Important है students, sewage treatment कहते हैं. और ये क्या है, काफ़ी सारी several stages है जो हम अपने next session में पढ़ेंगे students. Till then, please complete your work. I'll be sending you a few notes and till then, have a nice day students. Thank you.